बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। तो सब बहन भाइयों से मेरी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट होती है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सब बहन भाइयों के पास हर वक्त मिलता रहेगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का करता हूँ आगाज़। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि हम सब बहन भाई ने तकरीबन पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लाहौर से घर जा रहे थे। अभी हम रात को इधर घर पहुँच गए हैं। अभी बहुत मैं चीज़ें दिखाता हूँ कि जिधर ला के हमने सारा सामान रखे सारा सामान मिट्टी में सारा चीज़ें खराब हो गई। अभी हमने सारा सामान ऐसे ही इधर गाड़ी से उतार के बस फेंके इधर बैठक में। ये फ्रिज भी हमने अभी इधर ही रखी है। अभी घर की सफाई करेंगे। घर की सफाई करने के बाद ये फिर ये सारा सामान अपनी अपनी जगह पे हम सेट करेंगे। अभी तो इसी तरह तोड़े बिस्तरे हर चीज़ ऐसी बिखरी है। अभी तो कोई समझ नहीं आ रही कि हम किधर से काम शुरू करें और किधर काम हमारा ख़त्म होगा। क्योंकि रात को पहुंचे थे तो रास्ते में सर्दी थी। फिर ये कुछ रज़ाई ये कंबल बच्चों ने ऊपर लिया था। अभी बेगम साहब अभी ये देख रही है कि अभी मैं क्या करूं। चलो अभी बेगम साहब घर पहुँच जाइए। अभी आस्ता आस्ता सारा काम करती रहेगी। ये चार पहिया हमने ला के इधर ही दरवाजे के सामने ही रख दी थी। ये प्लेट और स्टैंड ये सारी चीज़ें इसी तरह ही। ये देखें ये हमारे नलके की कैसी हालत बन गई है। क्योंकि ये इसलिए लगवाया हुआ है कि अगर बिजली चली जाए तो पानी का मसला ना हो। तो फिर हम ये नलका इस्तेमाल कर लेते थे। अभी इधर ना रहने की वजह से इधर ये पंप मोटर लगाई हुई है सीढ़ियों के नीचे। ये हर चीज़ की हालत कुछ इस तरह हो गई है। अभी बेगम साहब अभी सारे काम आस्ता आस्ता निपटाएगी। अभी हमने ये सारी चारपाई हमने इधर लाकर रख दी है। मोटरसाइकिल भी हम अपना साथ वापस ले आए हैं। बच्चे तो आते ही टूटी हुई साइकिलों को साथ खेलना शुरू हो गए थे। मैं तो कह रहा था कि इनको बाहर फेंकते हैं तो बच्चे अभी इन्हीं के साथ खेल रहे थे। ये हमारी सारी चीज़ें अभी इधर का देखें कैसा माहौल बना हुआ है। ये रात को हमने ये छोटा सिलेंडर इसमें थोड़ी सी गैस भरवा के लाए थे।
इसी से चाय शाय बना के पिए। अभी बर्तन उसी तरह पड़े हैं, अभी कोई सेटिंग नहीं है, सेटिंग वगैरह करेंगे। रात को आके फिर हमने किसी काम को नहीं छेड़ा, काफ़ी थक गए थे तो फिर हम आके इधर सो गए थे। अभी कबीर बेटा भी सोया हुआ है और समीर बेटा भी सोया है, मामा बेटी भी सो रही है। बेगम साहबान जी अभी सुकून आ गया बहुत ज़्यादा। ये शीशा वगैरह हमारा इधर ना रहने की वजह से टूट गया था, ये खाली फ्रेम है। तो बेगम साहबा कहती थी कि मेरा शीशा टूट गया जब आए थे, हाँ वो देख के गई थी तो उधर से ही लेके आई है, उधर से ला के। अभी मैं तो सो रहा था तो मेरे सोने से पहले उठ के ये वाला शीशा जो दीवार के साथ है ये बेगम साहब ने अभी लगा ली है। अभी तो सामान खोलेंगे तो फिर पता चलेगा कि हमारी कितनी चीज़ें टूटी हैं, कितनी बची हैं। लग तो रहा है इस दफ़ा बहुत सारा नुकसान हो गया है, यहाँ तक कोई ना कोई चीज़ नज़र आ रही है, ये भी ख़राब हो गई है। देख रहे अब फ्रिज का नहीं पता क्या बना है इसका। नहीं फ्रिज को तो एक दो दिन नहीं चलाएंगे, और गैस वगैरह ठीक हो जाएगी इसकी तो उसके बाद फिर। तो ये वॉशिंग मशीन में जो कपड़े रखे हुए थे ये सारे उल्ट पुलट क्यों किए हुए? देख मैंने बट्टे ऊपर रखे हुए तो वो देख रही थी, अभी वो नीचे से निकाले हैं जैसे। हाँ ये जब ये लोड कर रहे थे ना उस वक्त थोड़ी सी नीचे गिर गए थे कपड़े, फिर दोबारा रखे थे इसमें। तो सारे हर चीज़ खराब हो गई है। चलो अभी सही कर लेना। अभी जो बर्तन भी टूटे हुए हैं काफी काफी चीजें हैं जो नजर आ रही है। अभी बेगम साहब काम पे लगी हुई थी, रात को तो हमने इधर ला के सामान सारा रख दिया था। अभी कुछ सामान निकाल रही है, कुछ चीजें आगे पीछे करेगी, अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ों को सेट करेगी। अभी तो सारी चीज़ें ऐसे ही बिखरी पड़ी हैं। मामा बेटी और कबीर बेटा ये खेल रहे हैं। अभी समीर बेटे को कहा गया थोड़ी देर कोई अलग बे कोई ABC या कोई गिनती वगैरह लिख दे, क्योंकि अभी नए स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा तो थोड़ी सी एडमिशन के लिए तैयारी करेगा। अभी तो इधर कपड़े हर चीज़ घर में ऐसी के वैसे है। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। जिन बहन भाइयों को अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।